गुड इवनिंग कल सुन करे थे तू वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग साथ आज अभी बज गए शाम को 7:07 वीडियो बनाना चालू करा है अभी और चालू किया तो देखा क्या इतनी बड़ी बड़ी किया इतनी बड़ी किया इनके मुंह जितनी बड़ी है ये कहां से आई है रिंकल वैसे ये आई है हमारे गांव से ओहो हो साथ में दर्शक भाई का फोन भी आ रहा है अभी कैरी मिल गई कि नहीं मिल गई उसीलिए आया होगा तो बहुत बढ़िया वाली आम आ गई है ना अंकल अभी इसका दाबा डालेगी दाबा हाँ पापा का दोपहर को कॉल आया था कि इसमें से ना पकी हुई निकाल लेना पहले पकी हुई देखो एक बॉक्स में तो चार निकल गई है तो आज कैरी की बौछाट हो जाएगी मतलब आज शाम को खाने के बाद कैरी नहीं खानी खाएंगे ना केसर इतनी अच्छी वाली मिलेगी तो फिर कौन छोड़ेगा नेचुरल हाँ कियान केरी खाई छे मैंगो कौन खाई कानो जो जी हमने खाओ मन से हमने जो जी खाई ली ये जब ये नो करेगा कानो और जो बाहर से हमने वॉश कर दी डैडी है ना चल दिन कल बिजुसु बनाओ ना जो जम्मा माँ उत्तपम नो अरे यार तू फेंक कर ढीली कर दे दे आउट ऑफ लेनी मत दिख लू आखी ग्रीन छे दो भी पाकल छे आ मस्त छे केम तने केम नहीं खबर ला खबर तो पड़े नहीं यू तने आवडे आवडे ने कोने सिखवाई तू अमे कितला घरे दाबा नाखता सवेरे रोज उठे ने पछी जाए बपोरे कौन सी पक गई है कौन सी पक गई है दाबा में कितला दाबा नाखता रे અને અહીંયા દહાવ દાબા બંધ થઈ ગયા અહીંયા રેડીમેડ આવે ને ભાઈ પક્કલ આવે કિલો લઈ લેવાની કિલો ખાઈ લેવાની કિલો લઈ લેવાની કિલો ખાઈ લેવાની તો ઇસમે સે કિતની નિકલ રહી હે એક તો હાથ મે આ ગઈ હે દૂસરો દેખો કોને મે હે હા કોને વાલી એકદમ કોને વાલી નીચે હા બસ વો અંદર સે તો નિકાલેંગે ફિર એક ભી કેરી ખરાબ નહીં હે ના નિકલ હો ગઈ એક દો वो तो दब जाती है मतलब इतना लोड रहता है मतलब एक आध तो दबेगी कैरी वो तो स्वाभाविक है जहाँ अगर यहाँ से लेते हो तो यहाँ भी वो हो सकता है तो चल अभी हाँ। तो जूस ही निकल गया है एक वो तो स्वाभाविक है ना यार नहीं वजन आता है तो वो लोग क्या पटकते हैं ना तब भी इतनी अच्छी तक यहाँ तक आई ना बहुत अच्छी कैरी आम रहा है पर सही में हाँ, कुछ नहीं हुआ है वैसे कुछ नहीं हुआ दो केरी बस ऐसी हुई है तीन पेटी में दो आम मतलब क्या होता है कुछ नहीं चलो मैं फटाफट उत्तपम बना देती हूं उत्तपम बना दे एक यार को खिला देता हूं उसको देखो दादा नीचे उतर जा हां यहां उतर चल यहां उतर आओ उतर आओ उतर आओ उतर आओ उतर आप 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 हूं जो है तारे सो आप आपको चल फटाफट बना ही लेने रिंको यहाँ पर दोनों बाप बेटे खेल रहे हैं अभी बॉल बैट क्या रोज खेलता है वो अकेला रोज खेला करता है बालकनी में आज मेरे साथ खेलेगा धीरे चिराग धीरे आज क्या हुआ लीजिए बताएं क्या हुआ आज मैं अभी आ रहा था ऑफिस से वहाँ पे गाड़ी के पीछे लिखा था यूज डीपर एट नाइट और मुझे क्या पता मैंने क्या पढ़ा पता है यूज डाइपर एट नाइट मैंने डाइपर बदल कर दिया कि डीपर को भी डाइपर पढ़ रहा था हम क्यों पहने थे तो पहनता है मेरे को जब वापस पढ़ा तब मेरे को याद है वो डीपर लिखा है कुछ भी ध्यान कहाँ गया देखो पढ़ के नहीं डाइपर 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 कर करके दिमाग में डाइपर ही बैठ गया
ऐसा नहीं होता, हमें हम बेबी का अभी सोचने लगे ना तो हमें वही ध्यान में आता है। तो जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सुबह हो गई है और सुबह होते ही कियान आ गया है वापस। किधर कियान? ओ कनु बालकनी में आके अपनी फिश बिश लगा रहा है। कियान गुड मॉर्निंग। ओ फिश, ओ फिश बताओ फिश क्या छे? फिश ले ले तो फिश क्या गई? फिश क्या गई? क्या गई पाछल? जो तारी फिश पड़ी तई पाछल जो तो नहीं। अनु गई गई क्या गई? ए मा दिखला ए घोटोड़ो, ए घोटोड़ो। गुड मॉर्निंग। जे जे गदे चल, जे जे गदे। आज मूड में नहीं लग रहा है कियान। कियान जे जे गदे हेलो एवरीवन। सुबह सुबह आज मैं मिली नहीं थी क्योंकि चिराग ने मेरा वीडियो ही नहीं बनाया था, मैं किचन में थी। कियान और चिराग दोनों तो मिल गए थे आपको, तो बहुत टाइम से कमेंट आ रही है कि आपका होम टूर करवाओ। वैसे अभी है ना कवर वगैरह बाकी है सोफ़ा के, तो मैं सोच रही थी कि बाद में करवाऊँ, पर वो अभी कवर तो डाल दिए है हमने बनवाने के लिए, तो बहुत कमेंट आ रही थी तो सोचा कि चलो कुछ करवा ही देते हैं। शेर पुत्र खेल रहा है कि शेर पुत्र पीपी गर्मी छे बॉल फेंकी नहीं हो तो बस जोई गयो है ना बेटा? बस बॉल गई गयो। कोई नहीं, चलो होम टूर करवा देते हैं हमारा। और कैसा लग रहा है आपको, कैसा लगा वो भी आप कमेंट करना, तो हमें भी अच्छा लगेगा वैसे तो। तो सबसे पहले तो घर के अंदर एंटर होते ही ये है पहला दरवाज़ा, और उसको कर देते हैं हम बंद पहले तो। बाद में आता है दूसरा दरवाज़ा जिसको भी हम करते हैं बंद, और हॉल चालू होता है। हॉल को मतलब हॉल के अंदर तुरंत आते ही सामने दिखता है कबोर्ड जो कियान के लिए लिया था वो, तो ऊपर टॉयज़ के दो बास्केट है और इसमें हमने अभी शूज़ रख दिए है क्योंकि कबर्ड यहाँ पे हमें मिल गया है तो। और ये है हमारा डाइनिंग टेबल जहाँ पे जिसको हम वैसे यूज़ नहीं करते और सिर्फ नाश्ता ही पड़ा रहता है, यहाँ पे सब नाश्ते पड़े हैं इसमें डिब्बे में, सब नाश्ते ही है। और उसके बाद देखते हैं तो ये पूरा हॉल ही है इतना बड़ा, और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सिटिंग एरिया। सोफ़ा है और सोफ़ा का कवर बाकी है दोनों पे, तकिया अलग अलग है पर गोल तकिया तो हमें चाहिए ही चाहिए। और ये है हमारा डॉगी, और बस यहाँ पे कियान का गुची पड़ा हुआ है, मतलब रखा हुआ है, कियान को अच्छा लग रहा है। और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी बालकनी जो बहुत अच्छी वाली और बड़ी वाली बालकनी है, जहाँ पे ये है मेरा कपड़ा का कपड़ा सुखाने का स्टैंड, फिर भी हम टॉयल वगैरह यहाँ पे ही सुखाते हैं। और ये है बाहर का व्यू जो बहुत ही अच्छा आता है, और सन भी बहुत ही अच्छा दिखता है सुबह उठते ही। देखो ये बहुत अच्छी और बड़ी बालकनी है, एक खटिया डाल के यहाँ पे सो सकते हो, इतनी बड़ी बालकनी है। और ये है हमारा टीवी जिसमें हम हमारे ही व्लॉग देखते हैं, अगर आप नहीं देखते आपने अगला नहीं देखा है तो जल्दी जाके देख लो। और यहाँ से अभी हम जाएंगे आगे, तो आगे आएगा किचन। किचन आपने बहुत बार देखा होगा हमारे सब वीडियो में, किचन तो आता ही है, तो बस थोड़े बहुत अभी बर्तन पड़े हैं जो सुखा के फिर हम रख देंगे। और ये है हमारा पूरा किचन, तो किचन भी हमारा वैसे बहुत बड़ा है, यहाँ पे बैठ के आराम से हम खाना भी खा सकते हैं। तो अभी चलते हैं आगे, आगे जाते ही वॉशिंग एरिया आता है जहाँ पे हमने रखा है वॉशिंग मशीन और बाकी सब चीज़ें। और यहाँ पे नीचे आलू प्याज लहसुन वगैरह सब रखती हूँ, और इसके सामने ही पड़ता है दूसरा रूम जिसमें अभी स्टोर रूम जैसा बन गया है, ये मंदिर है और गद्दा वद्दा सब है, ये सब कुछ अभी बाहर से निकला हुआ है। और इस रूम से बहुत ही अच्छा व्यू आता है,
देखो सनराइज होता है तो सन डायरेक्ट रूम में ही आता है तो अच्छी बात है। ये है कबोट ये रूम के, और इसमें एक्स्ट्रा सब कपड़े पड़े हुए हैं, चादर ओढ़ने वाला सब कुछ, और ये इसमें भी सब कुछ एक्स्ट्रा ही है जो हमें ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो ये रूम से हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ से आता है जनरल टॉयलेट बाथरूम जो इस तरीके से दिख रहा है, और ये बाथरूम से हम बाहर आते ही तुरंत ये हमारा मेन रूम अटैच होता है। तो मेन रूम के अंदर चलते हैं, ये है हमारा मास्टर बेडरूम और बहुत बढ़िया लग रहा है वैसे तो। ये यहाँ पे इतने कबोर्ड दिए गए हैं तो इस कबोर्ड में चिराग और कियान दोनों के कपड़े आ गए हैं और नीचे सब एक्स्ट्रा सब कुछ आ गया है। ये सारा मेरा कबोर्ड है जिसमें मेरा सब कुछ सामान है, तो दो कबोर्ड में सब कुछ सामान आ गया है। आगे चलते हैं तो ये है हमारा बेड और यहाँ की ये मतलब ऐसे टेबल रखती हूँ यहाँ पे जिसमें एक्स्ट्रा सब पड़ा रहता है। यहाँ से भी बहुत बढ़िया व्यू आता है जैसे ही सनराइज होता है। हाँ बेटा, तो ये ब्यूटीफुल सा व्यू हमारे रूम से रोज़ हमें दिखता है और बहुत मज़ा आता है। वैसे उठते ही तुरंत सन दिखता है, और ये है हमारे रूम का बाथरूम जो इस तरीके से दिख रहा है। फाइनली होम टूर हो रहा है अभी फिनिश। कैसा लगा कमेंट कर दो, और वीडियो का एंड भी हम यहाँ पे ही करते हैं। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाय।